हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो आप भी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। आप प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंगली फिर आप प्लस का और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये मेरी कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस की सीरीज है जो आप मुझे फॉलो करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कवर किए जाएंगे, जिसमें जीएस इंक्लूडेड है, सीसेट है, ऑप्शनल पेपर है, तो सब कुछ आपको एज ए पैकेज मिलेगा। सारी क्लासेज आपको मिलेंगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पर होगी। नाउ आइकोनिक की हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा और डेली बेसिस पर आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, जिनका फीडबैक भी आपको दिया जाएगा, तो दैट इज आइकोनिक। नाउ यहाँ पर आप प्राइसेस देख सकते हैं, प्लस में आपको काफ़ी चॉइसेस दी गई हैं, जिसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये तीनों प्लान बेस्ट माने जाते हैं। 3 ईयर का ये नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। नाउ दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें इस कोड को यूज करना ना भूलें। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप EMI ऑप्शन ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं, PDF नोट्स ये सब आपको अवेलेबल रहेंगे और मैं आपको मेंटर करूंगा। सो दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें इस कोड को यूज करना ना भूलें। आइकोनिक में आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, अगेन यहाँ पर विष्णु कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि 31 अक्टूबर जो कि आज है, जिसमें अभी करीब 2-2.5 घंटे बचे हैं, इसके बाद में ऑप्शनल के लिए आपको अलग से पे करना रहेगा। तो अगर आपने प्लान किया है सब्सक्रिप्शन ले लेने का तो 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद ऑप्शनल का यहाँ पर पैकेज अलग कर दिया जाएगा। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर, जिसमें Part 1 कंप्लीट हो चुका है आज। Part 2 मैं नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करूंगा और आने वाले 4-5 मंथ्स में मैं इस पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करूंगा, ठीक है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज विष्णु अग्रवाल। 19 ईयर्स की एज में CA कंप्लीट कर लिया था मैं, 2 टाइम्स UPSC CSE में अपियर हो चुका हूँ। प्रीलिम्स में मैंने 140+ एंड UPSC 2016 मेंस में मैंने 837 का स्कोर किया है। मुझे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आपको अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए, आप unacademy_vishnu इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें प्लीज विष्णु कोड ही यूज करें, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हमने काफी सुना है, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा। जितनी भी हमारी ओल्ड प्लस न्यू NCERTs हैं, जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट है, बुक्स हैं, उन सबको मिलाकर मैंने ये लेक्चर बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने सोचा है कभी हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जानते हैं? बिकॉज हड़प्पा वो साइट थी जो पहली बार डिस्कवर हुई थी और हमें ताज्जुब में डाल दिया था कि हमारे से 5000 साल पहले भी एक सिविलाइजेशन इस धरती पर एग्जिस्ट करती थी। इसलिए हमारी सिविलाइजेशन को कई बार ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम जम्मू इन दी नॉर्थ। तो यहाँ पर देखिए, मैप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, दैट इज दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। अगर आप सदर्न मोस्ट पार्ट में जाएंगे दैट इज अराउंड नर्मदा रिवर। अगर आप ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जाएंगे तो माना जाता है मेरठ, बतूरा, ठीक है, मेरठ इनके आसपास। एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आप जाएंगे तो दैट इज इन अफगानिस्तान। तो जम्मू इज दी नॉर्थ, नर्मदा ईस्टरी इन दी साउथ, मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन दी वेस्ट एंड मीरत इन दी नॉर्थ ईस्ट। सो दीज आर दी एक्सट्रीम पॉइंट। इसके अलावा और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है? मोहनजोदाड़ो, कोट डीजी, चन्हुदारो, धोलावीरा, लोथल, कुंतासी, अल्लाहदीनो, आमरी, गनेडी वाला, हड़प्पा, कालीबंगा, बानवाली, रोपर। तो इस मैप में आप इंपॉर्टेंट जितनी भी साइट्स हैं उनको एक बार देख सकते हैं, ओके। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, क्या आपको पता है ये दोनों साइट्स कहाँ हैं? मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। पहले ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट थे, अब ये दोनों साइट्स जहाँ डिस्कवर हुई थी दैट इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स मिली हैं? लोथल एंड धोलावीरा इन दी गुजरात। लोथल एक कोस्टल टाउन था, ठीक है, राखी गढ़ी इन हरियाणा, रोपर इन पंजाब, आज भी इसके बारे में आपने सुना होगा, देन कालीबंगा एंड बालाथल इन दी राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इंडिया में मिली है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स हैं जिनके थ्रू एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की लाइफ को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि वहां पर लोग कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे। नाउ हिंट्स ऑफ प्लानिंग इन दी सेटलमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग UPSC मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। हमें
इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्लानिंग के ऐसे नमूने मिलते हैं जो हम आज भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे बात चलती है स्वच्छ भारत अभियान की, बात चलती है COVID-19 के समय पर सैनिटेशन मेंटेन करने की, तो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोगों के घरों के बाहर नालियां होती थी जिनमें पानी गंदगी बहा करती थी एकदम से साफ सुथरी तरीके से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एक साफ सुथरा जीवन जीते थे, इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। सबसे पहले क्या होता था, जो भी सिटी एक आइडेंटिफाई की गई है उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है। नाउ ऑल द बिल्डिंग एक्टिविटीज विद इन द सिटी वर रेस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड एरिया। जैसे ये फिक्स एरिया कर दिया गया है सिटी के लिए, तो सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर ही अपने घर बनाते थे। ब्रिक्स जो ईंटे हैं, देखिए वो भी एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की यूज की जाती थी। मतलब आप चाहे जम्मू में चले जाएं नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, चाहे आप सदर्न मोस्ट पार्ट गुजरात में चले जाएं, आपको सब जगह पर सेम तरह की ब्रिक्स, सेम तरह की ईंटे, सेम स्टैंडर्डाइज रेशियो की ईंटे देखने को मिलती थी। देखिए उस समय कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर दूसरा, ब्रिक्स तो काफी वो बंदे हैवी होती थी, तो इनको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान भी नहीं था। तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी थी जो इस स्टैंडर्डाइज रेशियो को पूरी सिविलाइजेशन में एनफोर्स करती थी। ड्रेनेज सिस्टम, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज सिस्टम, इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट द फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलोंग देम। तो पहले ड्रेन्स बनाए जाते थे इस तरह से चारों तरफ, और उन ड्रेन्स के आजू बाजू में फिर घर बना करते थे। तो ऐसा सिस्टम था। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई पर कितना ज्यादा फोकस था। रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ये ग्रिड पैटर्न्स में बनाई गई थी। आज भी जैसे हमारी काफी सिटीज है, जयपुर, जोधपुर, काफी ट्रेडिशनल सिटीज है जहां पर आपको ग्रिड पैटर्न्स में रोड देखने को मिल सकती है। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे इस पैटर्न में रोड्स हो गई बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, दैट इज द ग्रिड पैटर्न। तो इस पैटर्न में रोड्स बनाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मोहनजोदाड़ो, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अर्बन सेंटर, प्लांट अर्बन सेंटर ऑफ मोहनजोदाड़ो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आज हमारी इंडिया में सबसे बड़ी सिटीज कौन है, तो हम चार मेट्रो सिटीज का नाम ले देंगे। तो मोहनजोदाड़ो अभी तक जितनी भी सिटीज आइडेंटिफाई हुई है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अर्बन एरिया होती थी। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। तो क्या ये चीज कहना सही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक रूरल सिविलाइजेशन थी? नहीं, यहाँ पर काफी सिटीज भी देखने को मिली है। इन सिटीज में आपको घर, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑफिसेज, पब्लिक बाथ जहां पर सभी लोग एक साथ नहाते थे रिचुअल्स के दौरान, तो ऐसे चीजें ग्रिड लाइक पैटर्न में देखने को मिली है। तो यहाँ पर पूरी अर्बन प्लानिंग होती थी। आज हमारी जो सिटीज हैं उनको हम स्मार्ट सिटीज बनाना चाह रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, प्लानिंग की। जो घर बने हुए हैं, कॉलोनीज बनी हुई हैं, वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि एकदम से ही उनमें घुसने की आपकी इच्छा नहीं करेगी। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ अर्बन एरियाज इन आवर कंट्री। नाउ ये जो पैटर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन में अडोप्ट किया गया था, ऐसा ही पैटर्न हमारे आज की सिटीज में भी अडोप्ट किया जा सकता है। मोहनजोदाड़ो वॉज मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सेंटर डिस्कवर्ड टिल डेट। आज तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी सिटी मिली है, सबसे बड़ी प्लांड अर्बन सेंटर मिला है, दैट इज मोहनजोदाड़ो। अब एक चीज, जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज जो सबसे बड़ी नोट की गई थी कि वहां पर जो भी सेटलमेंट था, अर्बन एरिया का हो, रूरल एरिया का हो, मोस्टली अर्बन एरिया का जो सेटलमेंट था उसे दो सेक्शंस में बांटा गया था। दो सेक्शंस कैसे, एक तो हो गया सिटाडेल, स्मॉलर एरिया बट हायर एरिया, इट वॉज बिल्ट ऑन हाई मट ब्रिक प्लेटफॉर्म। दूसरा है लोअर टाउन, मच लार्जर बट लोअर। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए एक पूरा ये अर्बन सिटी है, तो इसका एक छोटा सा एरिया दैट इज दी सिटाडेल। अब इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊपर होता था और इसमें काफी अच्छी चीजें रहती थी। तो माना गया है ये जो सिटाडेल था इसमें किंग या किंग की फैमिली रहती थी। अगर किंग सिस्टम नहीं था तो जो भी रूलिंग अथॉरिटी थी, जो भी हायर अथॉरिटी के लोग थे, वो यहाँ पर सिटाडेल में रहते थे। बाकी के जो लोग थे, जो प्रजा थी, आम लोग थे, वो इस लोअर टाउन में रहते थे। ठीक है, आप यहाँ पर एक लोथल का मैप देख सकते हैं। देखिए लोथल को यहाँ पर पूरी सिटी को कवर किया गया है, और इसमें ये जो है दैट इज द सिटाडेल, ये जो एरिया है यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसमें लोग रहते थे। और बाकी का जो एरिया हो गया व्हाइट में, दैट इज द कॉमन एरिया। सो जनरली सिटाडेल वॉज वोल्ड टू बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। तो जैसे ये सिटी है,
तो इसमें सिटाडल को एक दीवार से अलग किया जाता था, जैसे महल होते हैं, किले होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उसी तरह से सिटाडल को कवर किया जाता था दीवारों से। लेकिन लोथल में पाया गया कि यहाँ पर वॉल तो नहीं बनाई गई, लेकिन यहाँ पर इसको बड़ी हाइट पे बनाया गया है, थोड़ा ऊंचा बनाकर उठाकर इसे बनाया गया है। ओके, नाउ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब है लोगों के घर कैसे होते थे। देखिए, एक तस्वीर आपको दी गई है, इस तस्वीर में आप थोड़े से जो घर बचे हुए टूटे टूटे हमें दिख रहे हैं उनसे आप थोड़े से हिंट ले सकते हैं। जनरली हाउसेज वर एदर वन और टू स्टोरी हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड ए कोर्ट यार्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए जितने भी घर थे उनमें बीच में एक आंगन होता था। आप इन जितने भी घर हैं उनमें बीच में एक आंगन देख सकते हैं, ठीक है। तो बीच में एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों तरफ रूम हुआ करते थे, दैट इज द सिस्टम, ठीक है। और वन स्टोरी और टू स्टोरी बिल्डिंग भी यहां पर होती थी। दे आल्सो हैड बाथरूम, स्टेयर केसेस, वेल्स, मतलब कुएं लोगों के घरों में ही होते थे। एंड देर वॉज नो विंडो इन दी वॉल्स परहैप्स फॉर दी पर्पज ऑफ प्राइवेसी। जितनी भी दीवारें हैं उनमें विंडोज देखने को नहीं मिली है, हो सकता है ये लोग अपनी चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हो इसलिए उन्होंने विंडोज नहीं बनाई। द सिटाडेल, अगर हम सिटाडेल की बात करें, मैनी स्ट्रक्चर्स हैव बीन फाउंड विच वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पब्लिक पर्पजेज, जैसे लार्ज वेयर हाउस हो गया, दी ग्रेट बाथ हो गया, तो ऐसी चीजें सिटाडेल में देखने को मिली है। तो इससे एक हिंट ये भी मिलती है कि हो सकता है उसमें राजशाही लोग रहते थे और वहां पर जब भी कोई पब्लिक इवेंट होती तो वहां पर लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। एक बार हम ग्रेट बाथ को देख लेते हैं, तो दिस इज द ग्रेट बाथ। आप देख सकते हैं नीचे उतरने के दो रास्ते हैं, नॉर्थ और साउथ में। इसके अलावा चारों तरफ एक आंगन बनाया हुआ है, बरामदा, ठीक है। तो इट वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था इन ए कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई ए कोर्ट कोर्ट कॉरिडोर ऑन दी ऑल फोर साइड्स। तो दिस इज द कॉरिडोर। अब देखिए ये जो ग्रेट बात है इससे हम क्या हिंट ले सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं आज की लाइफ में। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स अडोप्ट किए गए थे तो उन्हीं का ही एक नमूना ये ग्रेट बात भी है। आज हमारे जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर पानी की कमी है वहां पर हम ऐसे स्ट्रक्चर्स कम्युनिटी की हेल्प से बना सकते हैं। क्यों, हम मनरेगा जैसी स्कीम्स को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यह हमारे यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काफी हेल्प कर सकती है। दिस इज द ग्रेट बात। देर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इन टू द टैंक विच वॉज मेड वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स ऑन दी एज। तो देखिए यहाँ पर नीचे उतरने के दो रास्ते बताए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन लोगों का देखिए टेक्निकल नॉलेज कितना अच्छा था। आप अगर आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी भी आपकी नॉलेज है तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि सीढ़ियों के दोनों तरफ एक रेस्ट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिससे सीढ़ियों को नुकसान ना हो, ठीक है। देन स्कॉलर सजेस्टेड दैट इट वॉज मीट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इस बात का यूज क्या था, ये बनाया क्यों गया था। तो इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का मानना है कि जैसे पब्लिक फंक्शन होते हैं आज के समय में, हमारी दिवाली ऐसे बड़े त्योहार हैं, वैसे ही उस समय में अगर कोई पब्लिक बड़ा त्योहार होता तो उसमें सभी लोग यहाँ पर आकर स्नान किया करते थे। नाउ सोशल एस्पेक्ट पे हम चलते हैं। तो देखिए सोशल एस्पेक्ट में ड्रेनेज सिस्टम, मैन होल्स इन द स्ट्रेट ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट्स द हाई अटेंशन टुवार्ड्स द हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ये आज भी हम लोग सीख सकते हैं। आज भी हमारी कंट्री में ओपन डिफिकेशन ज्यादा था, हालांकि स्वच्छ भारत अभियान के बाद काफी चीजें बदली है और कोरोना के बाद में तो और ज्यादा अवेयरनेस हुई है, लेकिन ये काफी चीजें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पहले के लोगों से भी सीख सकते हैं कि आज मैनुअल स्कैवेंजिंग इतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। वहां के लोगों को देखिए कि वो किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम इनके थ्रू चीजों को मैनेज किया करते थे। नाउ सोशल एस्पेक्ट की हम बात करें और रिलीजियस बिलीफ को हम ना समझें तो ये ऐसा हो नहीं सकता। रिलीजियस बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में रहती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कैसे गॉड्स की पूजा करते थे, कैसे धर्म को मानते थे। सो इन हड़प्पा न्यूमेरस टेराकोटा फिगरीन ऑफ विमन हैव बीन फाउंड। टेराकोटा फिगर का मतलब क्या है, मिट्टी से बने हुए जो भी मूर्तियां हैं उनको हम टेराकोटा फिगरीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी जो मूर्तियां हैं वो बहुत सारी डिस्कवर हुई है। तो यह माना जाता है परहैप्स शी वॉज द गोडेस एट दैट टाइम, उन लोगों की ये हो सकता है कि भगवान थी। सो प्रोबेबली द इमेज रिप्रेजेंट द गोडेस ऑफ द अर्थ। अर्थ, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी चीज आप क्या नोट करेंगे,
जो भी पुरानी सिविलाइजेशन है उसमें नेचर की सबसे ज्यादा पूजा होती थी, ठीक है। दी हड़प्पन्स लुक्ड अपॉन दी अर्थ एज दी फर्टिलिटी गोडेज एंड वर्शिप्ड हर, फर्टिलिटी गोडेज, ताकि यहां पर प्रेगनेंसी हो सके और जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ सके। सी लोग पशुपति महादेवा ये भी मिली है, तो इन्हें भी यहां पर गोड माना जा सकता है, ठीक है। कालीबंगा एंड लोथल, यहां पर फायर अल्टार्स भी मिले। फायर अल्टार्स का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आग जलती ही रहती है, आग के दिए हो गए। सो देयर वर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, सैक्रिफाइसेस हो सकता है, जानवरों को जलाया जाता था या फिर कोई नेचुरल चीजें जैसे यज्ञ हवन होते हैं वैसा कुछ किया जाता था। सोशल डिफरेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द बेरियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। बेरियल्स, लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता था। अब जो अमीर लोग होते थे उनके साथ महंगे महंगे बर्तन, महंगे महंगे गहने देखने को मिले हैं, जबकि जो गरीब लोग होते थे उनके साथ में पत्थर के बर्तन हो गए, पत्थर के गहने हो गए, ऐसे देखने को मिलते थे। देन आर्टिफैक्ट्स, जैसे आर्टिफैक्ट्स की हम बात करें पोटरी, तो कुछ ऐसी जगह पे जहां पर आलीशान पोटरी देखने को मिलती है तो वो बताती है रिच क्लास के बारे में, और जबकि कुछ जगह पर सिर्फ सिंपल बर्तन देखने को मिले हैं, सिंपल यूटेंसिल्स। तो बेरियल्स के बारे में हम बात करते हैं। सम ग्रेव्स कंटेन पोटरी एंड ऑर्नामेंट्स, परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। तो यह भी माना जाता है कि इन लोगों का ये बिलीफ था कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद जो दूसरे जन्म में जाएगा, तो ये पुनर्जन्म में भरोसा करते थे, तो मरने के बाद जो दूसरे जन्म में जाएगा तो ये चीजें जो हम साथ में दफना रहे हैं ये उसके अगले जन्म में काम आएगी। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बेरियल्स ऑफ द बोथ मैन एंड वीमन, दोनों के मैन और वीमन के बेरियल्स में यहाँ पर ज्वेलरी देखने को मिली है। अब आर्टिफैक्ट्स की हम बात करते हैं। आर्टिफैक्ट्स दो तरह के हैं, यूटिलिटेरियन जो डेली यूज में काम लिए जाते थे, एंड देन लग्जरीज जो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल सेक्शन के लोगों के द्वारा यूज की जाती थी। तो यूटिलिटेरियन की हम बात करें, इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेली यूज में, जैसे आज हमारे बर्तन है जिनमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सो दैट इज द यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स। मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, स्टोन, क्ले, मिट्टी, पत्थर, इनके बने हुए होते थे। इसमें जैसे क्या क्या हो गया, कैंस, पोटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, तो ये सब जैसे एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं। देन लग्जरीज, दे वर मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल। अगर आज के समय में हम कॉस्टली मटेरियल की बात करें तो क्या है, दैट इज गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, हम इन सब की बात करेंगे। लेकिन उस समय में महंगी चीजें क्या होती थी, जो क्ले और स्टोन नहीं है, इनके अलावा जो भी चीजें होती थी वो इन लोगों के लिए कॉस्टली चीजें हुआ करती थी, ठीक है। विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके नए नए बर्तन, नई नई किस्म के बर्तन, नई नई साइजेस के बर्तन बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल पोर्ट्स ऑफ फयांस, ए मेटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सेंट एंड सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर्ड। फयांस, देखिए फयांस मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, फयांस बेसिकली ये क्या है, एक मेटेरियल है जो सेंट और सिलिका इसके मिक्सचर से बना हुआ है, सो दैट इज लग्जरी आइटम। इसे जो भी बर्तन बने हुए होते थे वो काफी कॉस्टली हुआ करते थे और सिर्फ रिच क्लास ही उनको अफोर्ड कर सकती थी। लग्जरीज वर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, तो ऑब्वियस ही बात है जहां पर अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में जो रिच पीपल रहते थे उनके पास ही ये लग्जरीज देखने को मिलती थी, और बाकी जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको सारी जगह, सारे सेटलमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये बात हो गई सोशल एक्टिविटीज की, अब हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा सोशल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। सोशल एक्टिविटीज में क्या सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी, द आंसर इज यस, क्योंकि हमने देखा एक तो है सिटाडेल, एक है लोअर टाउन, तो ये क्या चीज इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वहां पर सोसाइटी दो सेक्शंस में बटी हुई थी, एक थी रिच क्लास, एक थी कॉमन पीपल। नाउ अब हम चलते हैं सब्सिस्टेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। ये हमें यहां से हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे। अब यहां पर देखिए कुछ डाउट्स हैं। सर रियली योर एफर्ट्स आर अमेजिंग, थैंक यू किरुबा। टेलीग्राम लिंक डजंट एग्जिस्ट, ओके आप एक बार चेक तो करके देखिए। एंड ग्रेट इनिशिएटिव सर, एंड कोई मेंस दे रहा है पता नहीं,
सर आपके पीछे कौन बैठा है, पता नहीं कौन बैठा है, अगर बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो उसे क्लास ले लीजिए। मेन एक्टिविटीज इंक्लूड्स हंटिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स प्रोडक्शन। तो ये यहाँ पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ करती थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग हुई थी हंटिंग से और धीरे धीरे वो कहां पर गई, एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन पर। पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे एकदम से शुरुआत में, तो उस समय वो हंटिंग फिशिंग इन सब में करते थे भरोसा। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता है वैसे वैसे वो एनिमल की हंटिंग की बजाय उसे डोमेस्टिकेटेड कर लेता है और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। उस समय के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ये क्राफ्ट प्रोडक्शन ही हुआ करते थे। तो दीज आर दी मेन एक्टिविटीज। ग्रेन्स फाउंड एट दी हड़प्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रेन्स देखने को मिले हैं। मिलेट्स भी पाए गए हैं गुजरात में। इसके अलावा राइस की हम बात करें तो राइस भी पाया गया है, बहुत ही रेयर पाया गया है, लेकिन बहुत ही रेयर। जितना भी राइस पाया गया है मोस्टली लोथल में पाया गया है। एग्रीकल्चर की यहाँ पर काफी हिंट मिलती है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम दी ग्रेनरीज फाउंड इन दी सिटी। जैसे मोहनजोदाड़ो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली थी। अब ग्रेनरी वो होती है जहां पर अनाज स्टोर किया जाता है, तो उसे ऑब्वियस ही बात है अनाज होगा तो ही स्टोर किया गया होगा। द सिटाडल ऑफ हड़प्पा, यहाँ पर 6 ग्रेनरीज देखने को मिली है। इसी तरह से कालीबंगा की हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी ग्रेनरीज देखने को मिली है। द इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉटन के बारे में सवाल उठते रहते हैं कि कॉटन कब आया, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर अमित ढीगे का कहना है रिसेंटली एनिमल हस्बेंड्री दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन आईवीसी वाज आल्सो डिस्कवर्ड। यस दिस इज करेक्ट। और एंड जैसा कि मैं कहते रहा हूं, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया वैसे वैसे वो हंटिंग से धीरे धीरे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट प्रोडक्शन इनकी तरफ मूव होता चला गया। जैसे आप हमारी सोसाइटी को देख लीजिए, पहले हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर निर्भर थे, धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्विसेज सेक्टर इनकी तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर कोई यूजफुल नहीं है, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर को हम बेटर मॉडर्न तरीके से अब कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉटन की हम बात करें तो कॉटन के एविडेंस भी देखने को मिले हैं। ग्रीक पीपल इस कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये सिंध प्रोविंस से डिराइव होता था। देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री दी गई है कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा, वाई आवर कंट्री इज कॉल्ड एज द इंडिया, जबकि हिंदी में हम इसे भारत कहते हैं। तो इसमें यही कहा जाता है कि पहले हमारी कंट्री का नाम था हिंदिया। ये कहां से आया? ये आया इंदस रिवर से। ठीक है, इंदस रिवर के जो इधर के एरियाज थे उनको हिंदिया और इन लोगों को हिंदूज कहा गया। धीरे धीरे सिंध प्रोविंस से जो भी चीजें थी उनको सिंडन, सिंध या इंडस के नाम से दिया जाने लगा। तो कॉटन का नाम था सिंदन। एनिमल्स वर हंटेड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड। तो धीरे धीरे हंटिंग कम हुई, डोमेस्टिकेशन ज्यादा होने लगा। अब यहाँ पर देखिए काफी एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं, कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पीक। तो इतने सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वहां मिले हैं। डोंकीज, कैमल्स, ये भी यहाँ पर पाए गए हैं, विच वर ऑब्वियसली यूज्ड एज द बीस्ट ऑफ द बर्डन, क्योंकि ये ही वो चीजें हैं जो उस समय ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती थी, क्योंकि इंजन का तो आविष्कार हुआ नहीं था, ट्रांसपोर्ट के लिए ये ही यूज किए जाते थे। लेकिन जो हॉर्स है उसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, नेदर दी बोन्स नोर इट्स रिप्रेजेंटेशन अपीयर। कहीं भी हॉर्स का हमें हड़प्पन कल्चर से एविडेंस नहीं मिलता। एलिफेंट वर वेल नोन टू दी हड़प्पन्स हु वर आल्सो एक्विंटेड विद दी राइनोसेरोस। तो एलिफेंट और राइनोसेरोस इनके एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एम्स आई स्टूडी का कहना है कि आप प्लीज थोड़ा सा वीपन्स पे भी फोकस डालिए, वीपन्स उनके द्वारा कैसे यूटिलाइज किए गए थे। तो देखिए धीरे धीरे आएगी आयरन एज वगैरह, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। इंडिकेशन ऑफ प्लोइंग, अब प्लोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लोइंग के एविडेंस भी मिले हैं। खेतों को जोता भी जाता था, एक बुल स्कल्पचर मिला है। आज के जैसे ट्रैक्टर उस समय नहीं था, उसमें बुल का ही यूज किया जाता था प्लोइंग के लिए। तो ऑक्सन वर यूज फॉर द प्लोइंग, टेराकोटा मेथड्स ऑफ प्लो फाउंड एट द चोलिस्तान भानवली इन हरियाणा। तो टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, जैसे प्लो नहीं होता वो, उसके टेरिकोटा फिगर, मिट्टी के फिगर आज भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा जो राजस्थान में है उसमें एक प्लोट फील्ड देखने को मिला है।
यहाँ पर दो फरोज देखे गए हैं जिसमें माना गया है दो अलग अलग क्रॉप्स एक समय पर उगाई जाती थी। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लॉट फील्ड कहां पर मिला है? कालीबंगा में। नाउ इंडिकेशन ऑफ इरिगेशन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एग्रीकल्चर के लिए आईवीसी के लोग इरिगेशन यूज करते थे। सो लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इन दी सेमी आरिड लैंड्स। अब एग्रीकल्चर सेमी आरिड लैंड में है, वहां पर बिना इरिगेशन के ये संभव नहीं है। देन ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, ये कैनल्स के ट्रेसेस भी पाए गए हैं शोटू गई इन अफगानिस्तान। इट्स पॉसिबल दैट अदर एंशियंट कैनल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। अब कैनल्स हो सकता है और भी बहुत सारी हो, लेकिन वो मिट्टी से भर गई हो इसलिए आज हमें पता नहीं चल पा रहा। वाटर रिजर्वेयर्स फाउंड इन दी धोलावीरा, तो पानी के रिजर्वेयर्स भी पाए गए हैं, वो पानी क्यों स्टोर किया गया होगा? मोस्टली फॉर दी इरिगेशन पर्पस। इंडिकेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल, देखिए कॉटन से प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता था, उसकी स्पिनिंग भी की जाती थी। अब इसके यहाँ पर एविडेंसेस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वर्ल्स। अब ये क्या है? ये वो मशीनें हैं जिससे कॉटन को स्पाइन किया जाता है। देन इंडिकेशन ऑफ यूज ऑफ स्टोन इन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में स्टोन भी यूज होता था, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हमें धोलावीरा में मिले हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। दिस वॉज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ आईवीसी। अगर आपको कोई कहे कि आईवीसी के समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था या नहीं, तो दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन। प्रेजेंस ऑफ एविडेंसेज ऑफ वेराइटी ऑफ क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग, मेटल से काफी चीजें बनाना, स्टोन कार्विंग, स्टोन की स्टेच्यूज बनाना, मेकिंग एंड पेंटिंग द पोट्री, मेकिंग टेराकोटा इमेजेस, तो ये सब वहां पर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट्स थे। चन्हू दाड़ो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर, ये नाम आप याद रखिएगा, चन्हू दाड़ो। ठीक है, ए टिनी सेटलमेंट वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब ये माना जाता है कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से डिवोटेड था, जैसे बीड मेकिंग, बीड्स बनाना, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, तो ये सब चीजें यहां पर बनाई जाती थी। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, अब देखिए ये सिविलाइजेशन 5000 साल पहले थी, तो आज हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई सी सिटी में क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता या नहीं, होता था या नहीं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट ट्रेसेस। कोई भी सिटी जो आज डिस्कवर हुई है उसमें अगर रॉ मटेरियल के अलावा वेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है, तो वो वेस्ट क्यों हुआ होगा? इंडस्ट्री प्रोडक्शन के बाद में जो बच गया वेस्ट, वो आसपास में फेंक दिया जाता था। तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क, बिकॉज वेस्ट ऑफ ए क्राफ्ट वुड बी डिस्कार्डेड एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी वेस्ट को दूर दूर नहीं ले जाना चाहेगा। These waste traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities, जैसे कि मोहनजोदाड़ो एंड हरप्पन हो गई। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिटीज हैं जो स्पेसिफिक हैं, चन्हू दाड़ो जो तो क्राफ्ट के लिए डिवोटेड थी, इसके अलावा जो मेन अर्बन सेंटर है उनमें भी थोड़ा क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। नागेश्वर एंड बालाकोट, these settlements were near the coast and the specialized centers for making the शेल ऑब्जेक्ट, जैसे बेंगल्स, लेडल्स, इनलेज, तो यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते थे नागेश्वर एंड बालाकोट में। आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है ये, ठीक है, इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी। बीड्स मेकिंग, अब हम बीड्स मेकिंग के बारे में देखते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए सील का यहाँ पर यूज पूछ रहे हैं एक स्टूडेंट, मैं उनको कहूंगा थोड़ा पेशेंस रखिए, सील का यूज आपके सामने आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा आप देखिए, ट्रेड के लिए यूज होती थी, आइडेंटिटी के लिए यूज होती थी, ठीक है। बीड्स मेकिंग, वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, अब बीड्स के लिए स्टोन्स यूज होते थे, मेटल्स यूज होते थे, जैसे कार्नेलियन, अब ये आप याद रखिएगा नाम, कार्नेलियन बीड्स मेकिंग के लिए यूज किया जाता था, ऑफ ए ब्यूटीफुल रेड कलर, रेड कलर का ब्यूटीफुल ये प्रोडक्ट होता था, स्टोन होता था, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, इन सबको भी यहाँ पर बीड्स मेकिंग के लिए यूज किया जाता था। हम आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर का जो अलग से सेक्शन है इस चैप्टर में, उसमें ये सब चीजें हम देखेंगे। मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फयांस, टेराकोटा, ये सब भी यहाँ पर यूज किए जाते थे एज ए रॉ मटेरियल। सम बीड्स वर मेड बाय द सीमेंटिंग टू और मोर स्टोन्स, तो देखिए कितनी इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड थी, केमिस्ट्री हो गई एक तरह से, कि दो स्टोन्स को आपने मिक्स किया
ठीक है, और फिर उससे आपने बीट्स बनाई, वेराइटी ऑफ शेप्स। अब बीट्स भी अलग अलग शेप की बनाई गई हैं, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फीरिकल, बेरल शेप्ड, सेगमेंटेड, तो अलग अलग शेप की यहां पर बीट्स बनाई गई थी। डेकोरेशन बाय इनसीजिंग, इनसीजिंग का मतलब है कुरेदना, कुरेदते हुए यहां पर डेकोरेशन किया जाता था, अलग अलग डिजाइन बनाई जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, एचिंग आउट डिजाइन, डिजाइन को एचिंग आउट किया जाता था। टेक्निक्स फॉर मेकिंग द बीट्स, दिस डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, जैसा मटेरियल वैसी टेक्निक। स्टेटाइट, जो एक सॉफ्ट स्टोन होता था, इस पे इजीली कार्विंग की जा सकती थी, इजीली वर्किंग की जा सकती थी, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी शेप इस स्टेटाइट स्टोन के साथ बनाई जा सकती थी। लेकिन जो हार्डेस्ट स्टोन्स थे, जिनको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल था, उनसे बहुत कम तरह की फॉर्म्स बन पाती थी। देन स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फॉर मेकिंग बीट्स हैव बीन फाउंड एट द चन्हुदारो, लोथल एंड धोलावीरा। तो स्पेशलाइज ड्रिल्स जिनसे यहाँ पर बीट्स बनाई जाती थी, ड्रिल्स जैसे कई बार आप देखते हैं कुछ मशीन्स होती हैं जिनके बीच में आप जैसे ही धातु देते हैं, कोई मेटल देते हैं, तो पर्टिकुलर शेप निकल के आ जाती है। जैसे कॉइन्स बनाने के लिए, सिल्वर से कॉइन्स बनाने के लिए ड्रिल्स यूज की जाती हैं। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बीट्स के, देखिए किस किस फॉर्म्स की बीट्स बनाई गई थी, ठीक है, अलग अलग मेटल की है, अलग अलग स्टोन की है। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बुल, हॉर्स, इन सब, सॉरी हॉर्स नहीं, बुल, या फिर इसके अलावा एलिफेंट, कैमल हो सकता है, इन सबका वहां पर यूज होता था। डोंकीज, टेराकोटा टॉय, मॉडल ऑफ बुलोक कार्ट, तो बुलोक कार्ट वहां पर थी, इसका हमें पता चलता है इस टेराकोटा फिगर से। शोज दैट इट वॉज यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द लैंड रूट्स, ठीक है। रिवरिन रूट्स एंड कोस्टल रूट्स वर आल्सो यूज्ड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड के हमें एग्जाम्पल मिले हैं, और फॉरेन ट्रेड मोस्टली रिवरिन रूट और कोस्टल रूट के थ्रू ही हो पाता था। लोथल जो सिटी है, यहाँ पर हमें ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ से दूसरे सिटीज में, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्रीज में जाया जाता था। मैनी एक्सपीडिशंस वर आल्सो सेंट टू एरियाज, जैसे खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान, साउथ इंडिया फॉर दी गोल्ड, तो यहाँ पर ये खेतड़ी रीजन आज भी काफी फेमस है राजस्थान में, तो यहाँ से कोपर निकलता था, साउथ इंडिया से गोल्ड निकलता था, तो ये भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते थे जिनको अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता था। यस लिवाइस सिकरबियन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस सिविलाइजेशन वाज द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इट वाज द वैल्यूज, कल्चर, एथिक्स, दीज एक्सपीडिशंस एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज का मतलब क्या है, खेतड़ी के जो लोग हैं इनके दूर दूर के लोगों से लिंक बने थे, क्योंकि यहां से कोपर दूसरी जगह पर जाया करता था, तो ऐसे कम्युनिकेशन भी फैला था। सील्स, अब हम सील्स की बात करते हैं, देखिए ये वो है जो लोथल में पाया गया है, यहां पर माना जाता था कि यहां से नाव दूर दूर जगह पर जाया करती थी, ठीक है, तो ये डोकयार्ड लोथल में पाया गया है। अब हम देखते हैं सील्स, दे वर अटैच्ड व्हेन बैग्स ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सील्स का क्या यूज था, तो यहां पर देखिए इसके दो पर्पज थे, पहला तो जो भी गुड्स है उसको सिक्योर करना, क्योंकि सील से पैक किया जाता था, और अगर उसमें थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन होता तो पता लग जाता कि गुड्स के साथ छेड़खानी की गई है। देन कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, सेंडर कौन है उसकी आइडेंटिटी भी इस इन सील्स के थ्रू डिस्क्लोज की जाती थी। लोथल में हम देखें तो एक डॉकयार्ड मिला है, एट दिस बोट्स एंड शिप्स माइट हैव कम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, तो यहां पर जितनी भी नावें हैं, बोट्स हैं, इनका आना जाना लगा रहा होगा। फॉरेन ट्रेड, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस रोहित, टिन फ्रॉम द अफगानिस्तान, इसका ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड की अब हम बात करते हैं, तो इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद द ओमन, बहरेन, मेसोपोटामिया वाज बाय द सी। मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू द मेलुहा, हड़प्पा को किस नाम से पुकारा गया है, मेलुहा, दैट इज लैंड ऑफ सी फेयरर्स, यहाँ पर बहुत सारे सी फेयरर्स आते हैं, ऐसा मेसोपोटामिया में माना जाता था। एविडेंसेस सजेस्ट दैट कोपर वाज ब्रॉट फ्रॉम द ओमन, ओमन से कोपर आया था, तो कोपर कहां कहां से आया, एक तो खेतड़ी राजस्थान से, एक ओमान से। फॉर एग्जाम्पल केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कोपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल, तो यहां पर ये जो एविडेंसेस हैं, जो केमिस्ट्री के थ्रू रिसर्च की गई, उसमें पाया गया कि जो ओमान में कोपर पाया गया और हड़प्पा में जो कोपर पाया गया वो सेम है, तो इसे एविडेंस मिलते हैं कि ओमान से कोपर आया था। ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, ए लार्ज हड़प्पन जाल कोटेड विद द थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले फाउंड एट द ओमानी साइट्स,
तो इसका मतलब है ओमान और हड़प्पन साइट्स के बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस थे। एंशियंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट, इन्होंने भी हड़प्पन रीजन का मेंशन किया है। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम मेलुहा, दैट इज हड़प्पा। मतलब हमारे हड़प्पा से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटी ऑफ वुड्स, तो ये सब चीजें यहाँ पर मेसोपोटामिया में एक्सपोर्ट की जाती थी। अदर एविडेंसेस इंक्लूड हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइसेस, बीड्स, ये सब भी दूसरी कंट्रीज में देखने को मिले हैं। हड़प्पन सील्स यूजली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, और स्क्रिप्ट आज तक भी अनडिसिफर रही है, आज तक भी हम नहीं पहचान पाए हैं कि सील्स पे क्या लिखा हुआ होता था। लेकिन यह माना गया है कि जो भी ओनर है उसका नाम और उसका क्या टाइटल है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ रहता था। इट इज अपारेंट दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आज हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन ये माना जाता है उस समय जो स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट थी। ये अब कैसे पता चले, कैसे ये चीज डेसिफर की गई, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं इस तरफ से लिख रहा हूं, अब मुझे कुछ लिखना है, मैं अंत में एकदम से इनको कंसंट्रेट कर दूंगा, ठीक है। जबकि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा कहां मिली है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। आप यहां पर एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, दीज आर दी सील्स जो वहां पर यूज की गई थी, कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय ए प्रीसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। अब देखिए वेट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें यूज की जाती थी उस समय पर, हमारे जैसे आज के जैसे मॉडर्न चीजें तो वहां होती नहीं थी, तुला ही यूज किया जाता था और उसमें काफी पत्थर, काफी और चीजें यूज की जाती थी फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट। यूजली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड एज द चार्ट एंड जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग। तो ये स्टोन थे जिसको क्या नाम दिया गया है, चार्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह के डिस्कवर किए गए हैं जो सोप साबुन की शेप के हैं। इन अदर केसेज Exchanges were carried through the barter system. तो barter system भी उस समय prevalent था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी चीजें barter के through ही की जाती थी। In return for finished goods and possibly food grains, they produced metals from the neighboring areas by the boats and bullock carts. ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स इन सब के बजाय बार्टर के थ्रू काम होता था। एक जगह से कोई चीज आती और दूसरी जगह पर दूसरी चीज भेज दी जाती थी, लेकिन बार्टर के थ्रू काम होने का मतलब ये नहीं है कि उस समय भी ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं की जाती थी। उस समय भी वेट्स एंड मेजर सिस्टम नहीं थे, ये सब उस समय थे और मनी का भी उस समय रोल था। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, आर्ट एंड कल्चर। ओके, नाउ आर्ट एंड कल्चर के बारे में यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या आर्ट्स थी, क्या क्या कल्चर्स थी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की आर्ट यहाँ पर डिस्कवर की गई है। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी सिविलाइजेशन एक बार सब्सिस्टेंस को अचीव कर लेती है तो फिर वो आ जाती है एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आर्ट एंड कल्चर। So the forms of art found from various sites of the civilization, जैसे sculpture मिले हैं, seals मिली हैं, pottery मिली है, ज्वेलरी मिली है, terracotta figures मिले हैं, तो ये जितने भी वहां पर आर्ट मिली है, अब इन आर्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिस्ट delineation of human and animal figures was highly realistic in the nature. जिस तरह से human figure और animal figure को delineate किया गया, ठीक है, वो बहुत ही remarkable था। तो स्टोन स्टेच्यूज की सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले मिला था एक मेल टोर्सो। मेल टोर्सो को आप देख सकते हैं इन दिस रेड सैंडस्टोन फिगर। किससे बना हुआ है ये, रेड सैंडस्टोन से। सो देयर आर सॉकेट्स होल्स इन द नेक एंड शोल्डर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड द आर्म्स। तो आप देख सकते हैं इधर हाथ बांध दीजिए, इधर आप सिर बांध दीजिए, ठीक है। तो ऐसा एक टोर्सो बनाया हुआ था। इसका स्टमक थोड़ा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट का मतलब है कि थोड़ा सा मोटापा है, तोंद आ रही है। बियर्डेड मैन इन दी स्टेटाइट। अब ये बियर्डेड मैन मिला है स्टेटाइट में, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यह उस समय का प्राइस्ट था, कुछ लोग कहते हैं यह उस समय का किंग था। तो लेट सी, ही इज इंटरप्रेटेड एज द प्राइस्ट। ही इज ड्रेप्ड इन द शोल कमिंग अंडर द राइट आर्म। राइट आर्म से शोल आ रही है और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से है। दिस शोल इज डेकोरेटेड विद द ट्रेफोइल पैटर्न। ट्रेफोइल पैटर्न, ये ट्रेफोइल पैटर्न हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पैटर्न बना हुआ है शोल पे। The eyes are little elongated, थोड़ी लंबी है लेकिन पतली है।
हाफ क्लोज्ड एंड मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि ये मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन में बैठे हो, योगा में बैठे हो। हेयर इज पार्टेड इन द मिडल, ठीक है, एंड ए प्लेन वुवन फ्लेट इज पास्ड राउंड द हेड, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये शायद या तो क्राइस्ट थे या फिर किंग थे। आर्मलेट इज वोन ऑन द राइट हैंड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इतनी डिटेल में क्यों देख रहे हैं। देखिए होता क्या है, हमें पता नहीं है कि यूपीएससी हमसे इस बियर्डेड मैन के बारे में पूछ ले, प्रीलिम्स में इसके बारे में हमें दो तीन स्टेटमेंट दे दिए जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। ऐसा हुआ भी है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो एक ब्रोंज स्कल्पचर मिली है एक लेडी की, वो कौन सी पोजिशन में है, दैट इज त्रिभंगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ ब्रोंज कास्टिंग एंड स्टेच्यूज, कि देखिए वहां पर कैसे केमिस्ट्री को यूज करके ब्रोंज कास्टिंग और स्टेच्यूज बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोसेस थी, इसके लिए टेक्निक यूज की जाती थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो इसमें बेसिकली वैक्स दैट इज मोम, मोम को पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था। तो पहले पुतला बनाया जाता था मोम का, ठीक है, फिर उसकी जगह मेटल भर दिया जाता था, और जैसे ही मेटल सूख जाता तो फिर उसके बाद में उसे कुरुद के जो मूर्ति है वो निकाल ली जाती थी। सो इन दिस द वैक्स फिगर वर फर्स्ट कवर्ड विथ ए क्लोटिंग ऑफ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये वैक्स का फिगर है, इसे मिट्टी में ढक दिया और कवर कर दिया और इसे सूखने दिया। जैसे ही ये सूख जाएगा एकदम से, फिर आग के साथ इसको पिघला के बाहर निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह पर मेटल डाल दिया जाएगा, ठीक है। और मेटल के सूखते ही फिर बाद में यहाँ पर हमें एक हमारा स्कल्पचर मिल जाएगा। तो ये टेक्निक उस समय पर यूज होती थी। इन ब्रोंज वी फाइंड ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स, तो ह्यूमन फिगर्स भी हमें मिले हैं, एनिमल फिगर्स भी हमें मिले हैं। एक ये फिगर मिला है एक डांसिंग लेडी जिसे कहा गया है, डांसिंग गर्ल जिसे कहा गया है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। ये जिस पोजीशन में खड़ी है ये अमिताभ बच्चन वाली पोजीशन नहीं है, इट इज द पोजीशन जिसे हम कहते हैं त्रिभंगा, ठीक है। सो इट इज अप्रोक्स 4 इंच हाई कोपर फिगर, 4 इंच का इसे माना जा रहा है, मोहनजोदाड़ो में ये पाया गया है। एंड दिस एक्सक्विजिट कास्टिंग डिपिक्ट ए गर्ल हुज लॉन्ग हेयर इज टाइड इन ए बन, तो आप देख सकते हैं इसके जो बाल है वो बंधे हुए हैं बन में। बेंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म में आप देख सकते हैं बेंगल्स खूब सारे हैं। ए ब्रासलेट एंड एम्यूलेट और बेंगल अडोन हर राइट आर्म, राइट आर्म में देखिए छोटे छोटे से बेंगल्स हैं, और इसके नाउ नेक में भी एक नेकलेस देखने को मिल सकता है। हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप एंड हर लेफ्ट हैंड इज क्लैप्स्ड इन ए ट्रेडिशनल इंडियन डांस जेस्चर। ये वो अमिताभ बच्चन वाली पोजिशन नहीं है, ठीक है, ये पोजिशन है त्रिभंगा, जिसे त्रिभंगा पोजिशन कहा गया। She has large eyes and flat nose, ठीक है, and figure is full of expression, जैसे कि ये डांस कर रही हो। बुल, अब बुल पाया गया है। It is also found at the Mohenjo-daro. The animal is shown standing with his head turned to the right with a card around his neck. तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इधर घूम रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर घूम रहा है। इसी तरह से गोट का फिगर भी मिला है, लोथल में कोपर डोग एंड बर्ड भी मिले हैं, ब्रोंज फिगर कालीबंगा में भी मिले हैं, वहां भी बुल मिले हैं, दायमाबाद इन महाराष्ट्र यहाँ पर भी मेटल कास्ट कल्चर के एग्जाम्पल मिले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्कल्पचर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, और मोस्टली लोस्ट वर्क्स टेक्निक इसके लिए यूज की जाती थी, ठीक है। नाउ सेकेंड आस्पेक्ट इज टेराकोटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं, दैट इज मिट्टी के यहाँ पर काफी सारे हमें फिगर्स मिले हैं। मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स एंड कालीबंगा, कालीबंगा और गुजरात साइट्स में जो मिले हैं दे आर मोर रियलिस्टिक। यहां पर प्रियंक भारद्वाज का पूछना है कि क्या लास्ट अटेम्प्ट वालों को चांस मिलेगा। देखिए मुझे नहीं पता, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप बाद में फिर से देख लीजिए, यूट्यूब पर है, आपको ये फिर से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द इंडस फिगर्स आर दोज रिप्रेजेंटिंग द मदर गोडेज, तो हमने पहले भी देखा मदर गोडेज के फिगर्स कुछ पाए गए हैं, तो ये लोग यहाँ पर मदर्स गोडेज जिसको अर्थ के रूप में पूजा करते थे। इन टेराकोटा वी ऑल्सो फाइंड ए न्यू फिगरिंग्स ऑफ बियर्डेड मेल विद द कोइल्ड हेयर। The repetition of this figure is exactly same position would suggest that he was a deity. तो यहाँ पर एक coiled hair के साथ एक bearded male भी मिला, ढाड़ी मूछों वाला आदमी, ठीक है, जिसको यह माना गया है कि उस समय देवता माना गया था।
टेराकोटा मास्क को फोन देती, ये भी वहां पर देखने को मिला है। टॉय कार्ड्स, आप देख सकते हैं ये टॉय कार्ड्स प्रोबेबली बच्चों के खिलौने के रूप में काम में आते थे। व्हील्स, विशल्स, रेटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्स वेन, डिस्क, ये सब वहां पर टेराकोटा में मिला है। बेसिकली क्या है, टेराकोटा उस समय बहुत ज्यादा सस्ती थी, ठीक है, बहुत चीप थी, क्योंकि मिट्टी को आप बेक करके कुछ भी बना सकते थे, तो इसलिए टेराकोटा उस समय में सबसे ज्यादा यूज की जाती थी, सबसे ज्यादा बनाई जाती थी। यहाँ पर रोहित राज का कहना है, मेड अप ऑफ फायर बेक्ड अर्दन क्ले, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दीज आर नॉट सो सोफिस्टिकेटेड एज सील्स मेड बाय द मेटल्स। देखिए ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी के बजाय जो मेटल में चीज बनेगी वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टफ होगी, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी। अब हम बात करते हैं सील्स की। थाउजेंड्स ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड यूजुअली मेड ऑफ स्टेटाइट, सॉफ्ट रिवर स्टोन एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। अब दे प्रेजेंटेड ब्यूटीफुल फिगर ऑफ एनिमल्स सच एज यूनिकॉर्न बुल, तो ये आप याद रखिएगा, एक यूनिकॉर्न बुल का एग्जाम्पल मिला है। राइनोसेरोस, टाइगर, एलिफेंट, बिसोन, गोट, बफेलो, तो इन सबकी सील्स पर मूर्तियां फोटोएं मिली हैं। मेनली इन सील्स का यूज होता था कॉमर्शियल, ठीक है। अब एक सील मिली है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, पशुपति सील, आप इसे देख सकते हैं। दिस सील डिपिक्ट्स ए ह्यूमन फिगर सीटेड क्रॉस्ड लेग, क्रॉस लेग पोजिशन में बैठे हुए हैं। इनके आजू बाजू में एलिफेंट हैं, टाइगर हैं, राइनोसेरोज हैं, बफेलो हैं, ये चार एनिमल्स इनके आजू बाजू में आप देख सकते हैं। देन इनके जो नीचे वाली सीट है इस पर दो एंटीलोप्स भी देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है। फिगर्स एंड एनिमल्स आर कार्व्ड इन इंटेग्लियो ऑन देयर सर्फेसेस, इंटेग्लियो का मतलब आप देख सकते हैं उकेरना, कि कैसे इन चीजों को उकेरा गया है। पोट्री, अब हम बात करते हैं पोट्री की। पोट्री भी कई तरह की बनाई गई थी। यहाँ पर पोट्री में दो चीजें थी, एक तो थे लग्जरी आइटम, एक थे यूटिलिटेरियन आइटम। सो दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिजाइन्स मोटिव्स एज एम्प्लॉयड इन डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल्स। तो अब देखिए कितनी सारी स्टाइल हैं, आप देख सकते हो शेप भी इनकी अलग अलग है, अलग अलग शेप के ये बनाए गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस समय के लोग कितने एडवांस हो चुके थे इन द मैटर ऑफ शेप। इंडस वैली पोट्री कंसिस्ट चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, तो जो पोटर होता है जैसे व्हील पे वो बनाता है, आज भी आप काफी गांव में देख सकते हैं वही चीज उस समय भी यूज होती थी, हैंडमेड बनाई जाती थी। प्लेन पोटरी इज मोर कॉमन देन दी पेंटेड वेयर, प्लेन पोटरी जिस पर कुछ भी कलर नहीं हो, जबकि पेंटेड वेयर भी प्रचलन में थे लेकिन ये लग्जरी आइटम थे, तो कुछ एरियाज तक ये लिमिटेड थे। प्लेन पोटरी इज जनरली ऑफ रेड क्ले विद और विदाउट ए फाइन रेड और ग्रे स्लिप, ठीक है। पोट्री फॉर हाउसहोल्ड पर्पजेस, अब यहाँ पर देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्रेसफुल कर्व आर दी रूल, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज लाइक दी लग्जरी पोट्री फॉर हाउसहोल्ड पर्पजेस इज फाउंड इन मेनी शेप्स एंड साइजेस एज कुड बी कंसीव्ड फॉर दी डेली प्रैक्टिकल यूज, तो जो भी पोजिशन यहाँ पर सोची जा सकती थी उसमें ये बनाए जाते थे। विकास सिंह का पूछना है, सर पीडीएफ कैसे मिलेंगी? पीडीएफ देखिए आपको मैं बताता हूँ, टेलीग्राम पे जाइएगा, अनअकैडमी अंडरस्कोर विष्णु, इस नाम को सर्च कीजिएगा, आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर मैं 48 आवर्स के अंदर अंदर पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंटीलोप डियर्स, यस रोहित, एंटीलोप डियर हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। रोहित राज, यस आगे चलते हैं हम। स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एन एक्सेप्शन, ठीक है, स्ट्रेट ज्यादातर यहाँ पर नहीं होते थे, ज्यादातर चीजें क्या थी, ग्रेसफुल कर्व यहाँ पर यूज किए जाते थे। पेंटेड अर्थन जार फाउंड इन दी मोहनजोदाड़ो, दिस जार इज मेड ऑफ पोटर्स व्हील, आफ्टर बेकिंग दी क्ले मॉडल इट वाज पेंटेड विद दी ब्लैक कलर, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज दी पेंटेड वेयर, पेंटेड जार, हाई पॉलिशिंग वाज डन एंड फॉर दी फिनिशिंग टच और मोटिव्स ऑफ वेजिटल्स और जियोमेट्रिक फॉर्म्स यहाँ पर यूज किए गए थे, ठीक है। ये वेजिटेबल जैसे पत्ता हो गया, पान का पत्ता, और ये यहाँ पर डिजाइंस हो गए, जियोमेट्रिकल डिजाइंस, ठीक है। नाउ बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, द हड़प्पन मेन एंड वीमन डेकोरेटेड देमसेल्व्स विद ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स, आज के समय में जैसे ज्वेलरी है उसी तरह से उस समय भी उनके लिए बीड्स ही ज्वेलरी हुआ करती थी। जो अमीर लोग थे वो महंगी धातु की बीड्स पहना करते थे, जो गरीब लोग थे वो स्टोन्स की बीड्स पहना करते थे। सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एवरी कंसीवेबल मटेरियल, जो भी कंसीवेबल मटेरियल है, मिट्टी, स्टोन, जिस भी चीज से बीड बन सकती है उससे बीड बनाई जाती थी, फ्रॉम प्रीसियस मेटल एंड जेम स्टोन्स टू बोन एंड बेक्ड क्ले, तो इन सबसे बीड्स बनाई जाती थी।
While necklaces, fillets, armlets and finger rings, they were commonly worn by both sexes. इसके अलावा women कुछ girdles, earrings and anklets ये भी पहना करती थी. Hoard of jewelry found at the Mohenjo-daro and Lothal. उन दो सिटीज में बहुत ज्यादा ज्वेलरी देखने को मिली है. इसका मतलब यहाँ पर ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता था और यहाँ के लोग भी बहुत रिच थे. इट मे बी नोटेड दैट ए सिमेट्री हैज बीन फाउंड एट द फरमाना इन हरियाणा वेयर डेड बॉडीज वर बरीड विद द ऑर्नामेंट. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे बेरियल्स थे जिनमें यह पाया गया है कि लोगों को उनके ऑर्नामेंट्स के साथ दफन किया गया था, यह सोचते हुए कि वो उनके आफ्टर लाइफ में काम आएंगे. बीट फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड एट द चन्हुदारो एंड लोथल. ओके, नाउ आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर चिन्नाबार. ठीक है, व्हाट इज चिन्नाबार हम देखते हैं. द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ द फैशन. तो देखिए उस समय के लोग भी पूरी फैशन करते थे. डिफरेंट हेयर स्टाइल्स यूज होती थी, अलग अलग तरह की बियर्ड यूज की जाती थी. चिन्नाबार ये जो मटेरियल है इसे कॉस्मेटिक के रूप में, फेस पेंट, लिपस्टिक, आई लाइनर, इन सब के रूप में यूज किया जाता था. उस समय के लोग भी मेकअप किया करते थे. नाउ पॉलिटिकल अथॉरिटी. यस रोहित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. एम्यूलेट्स बहुत ज्यादा संख्या में पाए गए हैं. पॉलिटिकल अथॉरिटी की अब हम बात करते हैं. देखिए इतनी बड़ी सिविलाइजेशन रही है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी तो रही होगी जिसने पूरे सिस्टम को गवर्न किया था. और आपने एक चीज देखी थी कि कैसे ब्रिक्स जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक सेम स्टैंडर्ड रेशियो की थी. तो ये कोई आसान बात नहीं है. तो डिफरेंट व्यूज आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. कुछ लोगों का ये भरोसा है कि एक सिंगल स्टेट था और एक सिंगल किंग था, जबकि अदर का ये मानना था कि मल्टीपल स्टेट थे, मल्टीपल किंग्स थे. समारोह द ओपिनियन दैट देर वॉज नो रूरल एट ऑल. वहां पर सिर्फ एनार्की थी. कुछ लोगों का यह भी मानना है. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल आइडिया क्या है कि पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिंगल स्टेट था. अब कौन से आर्ग्यूमेंट है जो इसे जस्टिफाई करते हैं. देर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी, जैसे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ब्रिक्स, पोटरी, सील्स. तो ये सब एक जगह पर रहे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक जगह की सील दूसरी जगह पर मानी जाए. जैसे आप देखें आपके रुपए के नोट को आप यूएस में ले जाए, चल जाए तो बता देना, मैं भी चला के आऊंगा. ठीक है, वो नोट वहां पर नहीं चलेगा, लेकिन सील्स पूरे एम्पायर में चलती थी. तो इसका मतलब है एक सेंट्रल अथॉरिटी जरूर वहां रही होगी. इसके अलावा सिर्फ मोहनजोदाड़ो ही एक ऐसी सिटी मिली है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई है. स्टोन स्टेच्यू ऑफ क्राइस्ट किंग मिली है. तो यह भी माना जा रहा है कि ये जिनकी स्टोन स्टेच्यू थी ये मोस्ट प्रोबेबली उस समय में किंग हुआ करते थे. एंड ऑफ सिविलाइजेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गई, क्यों इसका एंड हो गया. तो यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है. तो बाई 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन हैड बीन अबेंडन्ड. तो मोस्ट ऑफ द साइट्स जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी उनको छोड़ा जा चुका था. अब देखिए अभी हमारे सामने है COVID-19. ये तो आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है जिस वजह से हम तुरंत वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं. लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, हड़प्पन पीपल को अगर कभी ऐसे COVID-19 जैसे बीमारी को फेस करना पड़ा होगा तो क्या हुआ होगा. तो यही माना जा रहा है कि मेच्योर हड़प्पन साइट्स वहां पर पहले बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, फिर उसके बाद लोगों ने बड़े शहर छोड़ दिए और गांवों की तरफ रुख कर लिया. तो हो सकता है कोई महामारी फैली हो, या कोई बड़ा डिजास्टर अर्थक्वेक आया हो, या फिर किसी रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया हो, जिसकी वजह से लोगों ने बड़े शहर की बजाय छोटे गांव में रहना पसंद किया. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये भी धीरे धीरे डिसअपियर हो गया. तो धीरे धीरे इस सिविलाइजेशन ने एक रूरल वे ऑफ लाइफ को लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स में अपना लिया था. और रूरल वे ऑफ लाइफ फिर धीरे धीरे एंड हो गया. तो इसके लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं. हालांकि आज भी एविडेंस के साथ कोई एक पर्टिकुलर रीजन आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेथ हुई थी. दीज रेंजेस फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप. तो जो एनवायरमेंटल कोजेज आज के समय में दिए जाते हैं वो उस समय के लिए भी दिए जाते हैं. देन यह भी पाया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट, जैसे हड़प्पन स्टेट हो गया, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गई, हो सकता है उसका एंड हो गया हो, कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ हो,
This is evidenced by the disappearance of seals, scripts, distinctive beads and pottery. The shift from standardized weight system to the use of local weight. तो ऐसा भी माना गया है एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट जिसने पूरे सिविलाइजेशन को बांध रखा था उसका भी एंड हुआ हो। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यहाँ पर एक क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड्स मिलेंगे और हमारी जो क्विज होगी दैट विल बी फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली। ओके, तो मैं इस क्विज को क्रिएट कर देता हूँ। लेट मी क्रिएट दिस क्विज। आपको पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पर जाकर इस ग्रुप को सर्च कर सकते हैं और जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें प्लीज विष्णु कोड को ही यूज करें। ठीक है, इस कोड को यूज करने पर 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, मैं आपको मेंटर भी करूंगा। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो प्लीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर ये क्विज अटेम्प्ट होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप प्लस और आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन लें विष्णु कोड यूज करना ना भूलें। ओके, प्लस में आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की एक साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। 100+ एजुकेटर्स हैं, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा और जितने भी एजुकेटर हैं वो सारे आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगे। आइकोनिक में आपको पर्सनल कोच दे दिया जाएगा और डेली मेंस की आपकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी होगी। आपका ऑप्शनल पेपर भी यहां पर कवर होगा। आप यहां पर प्लस को देख सकते हैं, प्लस में आपको काफी ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के प्लान यहां पर बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइकोनिक में 3 ऑप्शंस हैं। अगेन दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे यूज करते 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप ईएमआई ऑप्शन ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और मैं भी आपको मेंटर करूंगा। नाउ मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अभी प्लस पे चल रहा है, इसका पार्ट 1 आज एंड हो गया है, पार्ट 2 नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा। तो आने वाले 5-6 मंथ में मैं पूरे पबेट को कवर करूंगा, इसे आप प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट इज द क्विज टाइम। मैं क्विज का कोड आपको बता देता हूं। यहां पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि शेड्यूल बताइए, तो देखिए अभी मेरी पॉलिटी और इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज चल रही है। जैसे इनमें से कोई सी सीरीज पॉलिटी की जैसे एंड होती है तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी तो मैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियोज ही आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, एज ए सीरीज नहीं ला पाऊंगा, लेकिन आप पॉलिटी की सीरीज को डीडी बासु की जो सीरीज है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन आपको उसके लिए मेरे ग्रुप अनअकैडमी _ विष्णु पर जाना होगा जहां पर पीडीएफ और लेक्चर के लिंक आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप जाइए यूपीएससी सीएससी को चूज कीजिए, आपको 3 यहां पर डोर्स ऐसे मिलेंगे, इसमें आप 3 ऑप्शन में से प्लस को चूज कीजिएगा। देन यहां पर नीचे जो बार दिया गया है, इस बार में 4 चीजें हैं। सब्सक्राइब वाला ऑप्शन वो है जहां प्लस का या आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे विष्णु कोड यूज करके। अभी हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन क्विज पर क्लिक कीजिए और कोड डाल दीजिए। व्हाट इज द कोड? कोड इज 315653। जो क्विज है दैट इज फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 सेकंड्स के, तो आपका यहां पर रिवीजन भी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, आप ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर ही क्विज लें, क्योंकि एक तो वहां पर स्क्रीन फिट अच्छा होगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, सेकंड आपको वहां पर कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और थर्ड डिटेल सॉल्यूशन आपको उस ऐप में ही मिल पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप इस क्विज को ज्वाइन कर लीजिए। आई विल वेट फॉर 2 मिनट। मैं एक बार फिर से प्रोसेस आपको समझा देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट कीजिए, प्लस सेलेक्ट कीजिए, देन नीचे जो टेस्ट दिया गया है वो सेलेक्ट कीजिए, ज्वाइन क्विज को सेलेक्ट कीजिए और ये कोड डाल दीजिए 315653। ये लाइव क्विज है, क्विज लाइव रहेगी। अगर एक बार ये क्विज स्टार्ट हो गई, एंड हो गई, उसके बाद आप इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। निशा का कहना है मैं काफी लेट हो गई, नोट एन इश्यू। देखिए आप रिकॉर्डिंग पूरी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो आप YouTube छोड़ दीजिए और जल्दी से जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज को ज्वाइन कीजिए। आई एम वेटिंग, आई विल वेट फॉर 2 मिनट। 2 मिनट के लिए मैं वेट करूंगा। YouTube को आप छोड़ दीजिए, YouTube को छोड़ दीजिए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चले जाइए। प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूं।
315653, दिस इज द कोड, इसको डालते ही आपकी क्विज ज्वाइन हो जाएगी। जल्दी कीजिए, प्लीज डोंट डिले, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर इस क्विज को ज्वाइन करें। कोड है 315653, डोंट डिले, डू इट फास्ट। जैसे ही 10:30 होंगे मैं इस क्विज को स्टार्ट कर दूंगा। ज्वाइन इट फास्ट, यूट्यूब को छोड़ दीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर आप इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, वेबलेन गुड्स इज ए गुड हुज डिमांड राइजेज एज द प्राइस राइज। देखिए यहां पर ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक्स का आ गया है बाय द टेक्निकल मिस्टेक, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, आगे के क्वेश्चन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिलेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन टेक्निकल एरर की वजह से इकोनॉमिक्स का यहां पर जुड़ गया है, फिर भी आप इसे कोशिश कीजिए आंसर करने की। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हैं वो कमेंट्स में आंसर जरूर दें, किसी भी स्टूडेंट ने इसे सही आंसर नहीं किया, नोट एन इश्यू, आप कोशिश करते रहिए। विकास सिंह, सुमेश पंडित, किरुबाकरण, वंशिका शर्मा, दीज आर दी स्टूडेंट्स। पशुपतिशील, अब पशुपतिशील के रिगार्डिंग आपको यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द सीटेड फिगर इज कंसिडर्ड एज ए प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ गॉड शिवा। The seal is widely known as it is engraved on a hard rock surface. बताइए इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चार स्टेटमेंट्स, चार ऑप्शन, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू, ठीक है। और स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हैं वो प्लीज कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दें। सिक्सटी% एक्यूरेसी, वेरी गुड, इसका मतलब तीन स्टूडेंट्स ने ये सही किया है, वंशिका, सुमेश, विकास, इन्होंने ये सही किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली पीपल, इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट आपको दिया गया है अबाउट द स्क्रिप्ट। इंडस वैली पीपल की जो स्क्रिप्ट थी, लिखने की शैली, इट वॉज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैज द बोस्ट्रोफेन स्टाइल, बोस्ट्रोफेडोन, इट हैज बीन डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप मतलब जेम्स प्रिंसेप ने इसे डेसिफर कर लिया था। तो तीन स्टेटमेंट हैं, आपके ऑप्शन है वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली। इसका सही आंसर है ए। देखिए मैंने एक चीज आपको कही थी, ये आज तक डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, तो आप आसानी से नंबर तीन को एलिमिनेट कर सकते थे। वंशिका, सोनू, सुमेश, ये तीनों अभी टॉप पर चल रहे हैं, विकास भी ज्यादा पीछे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हड़प्पन साइट्स एंड देयर रिलेटेड फैक्ट। क्या रोपड़ में एक डोकयार्ड मिला है, धोलावीरा में डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स मिले हैं, सुरकोटादा, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स फाउंड, एंड लोथल, कोपर एक्स एक्सकेवेटेड। अब देखिए यहाँ पर हॉर्स की जहां तक बात आती है, मैंने एनसीईआरटी के व्यूज लिए हैं, एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है उसमें यही लिखा हुआ है कि हॉर्स अभी तक नहीं पाया गया, और यही आंसर यूपीएससी ने बताया था, यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लेकिन अभी इसमें काफी डेवलपमेंट हुए हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, और काफी स्टूडेंट ने इसे सही किया है, वेरी गुड। वंशिका टॉप पर चल रही है, सोनू नंबर दो पर है, विकास नंबर तीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू आईवीसी।
इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो स्टेटमेंट है, सिटीज ऑफ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो दैट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा आर वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविक प्लानिंग। अच्छे से पढ़िएगा। थ्री इंपोर्टेंट साइट्स हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल आर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो ये एक तरह से हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नो टू। इसका सही आंसर है डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गंगा रिवर नहीं इंडस रिवर, और लोथल इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं। वंशिका अभी भी टॉप पर बनी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस, दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन द वॉरफेयर। देखिए, हॉर्स ड्रोन चैरियट्स इन द वॉरफेयर, अगेन वही सीधा सा इशारा है आपको कि क्या हॉर्स पाया जाता था उस समय। हॉर्स अगर नहीं होगा तो चैरियट भी नहीं होगा। ओके, सो दीज आर दी ऑप्शंस। इसका सही आंसर है बी, 57% स्टूडेंट्स ने इसे सही किया है। वेरी गुड। सोनू कुमार टॉप पर है, किरुबाकरण नंबर दो पर, वंशिका नंबर तीन पर, देन विकास, सुमेश, पवन, निशा। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ फूड क्रॉप ऑफ हड़प्पन पीपल। चीफ, चीफ का मतलब है प्रोडक्शन तो हो सकता है होता हो, लेकिन बहुत कम होता था, रेयर होता था, ये भी हमने कवर किया है। देख लीजिए चार स्टेटमेंट, चारों चीजें, कि इनमें से कौन सी मेजर क्रॉप थी और कौन सी बहुत माइनर क्रॉप थी। आपको याद है लोथल, लोथल में हमने कुछ देखा था, लोथल में लिखा हुआ था कि इकलौता ऐसा सिटी था जहां पर राइस के थोड़े से एविडेंस मिले थे, बाकी राइस और कहीं भी नहीं पाया गया था। ओके, सो द राइस इज द आंसर। किरुबा टॉप पर आ चुके हैं, वेरी गुड किरुबा, सोनू एंड वंशिका, दीज आर द सेकंड एंड थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेम साइज ब्रिक्स वर यूज्ड बाय द हड़प्पन इन डिफरेंट सिटीज। क्या ये सही है? हम पढ़ चुके हैं, धोलावीरा वाज द ओनली टाउन वेयर द टाउन वाज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, द इंडस वैली पीपल आर रेफर्ड टू एज मेलुहा, मेलुहा। मोहनजोदाड़ो इज कोल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली। क्या मोहनजोदाड़ो इंडस वैली का सबसे डेवलप्ड सिटी था या नहीं? ओके, चार स्टेटमेंट है एंड दीज आर दी ऑप्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ए, अगेन किरुबानी से सही किया है, सोनू नंबर दो पर है, वंशिका नंबर तीन पर एंड विकास नंबर चार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईवीसी, एग्रीकल्चर टूल्स वर मेड ऑफ आयरन, द पीपल ऑफ आईवीसी एक्सेल्ड इन टाउन प्लानिंग एंड टेंपल आर्किटेक्चर, दे फॉलोड द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोहनजोदाड़ो वाज द लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया। तो चार स्टेटमेंट है, दीज आर दी ऑप्शंस। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि वहां पर थोड़ी सी डेमोक्रेसी थी, लेकिन एक प्रेजिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, तो प्राइस्ट किंग मिला था, तो यही माना गया था। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है। चलिए फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, टेंथ क्वेश्चन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फिगर जो रिकवर हुआ है, इट वॉज मेड यूजिंग सीरा पर्ड्यू टेक्निक। क्या ये सही है? इट फेमस स्कल्पचर वॉज एक्सकवेटेड फ्रॉम द साइट हड़प्पा। क्या ये हड़प्पा में मिली थी? द गर्ल स्टूड इन पोस्चर कोल्ड एज द त्रिभंगा। क्या त्रिभंगा पोस्चर में ये खड़ी थी?
सिर्फ 8 सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, इसका आंसर है सी। 33% स्टूडेंट्स ने इसे करेक्ट किया है। किरुबा करण टॉप पर रहे हैं, वंशिका नंबर 2 पर रही है, सोनू नंबर 3 पर रहे हैं। तो ये हमारे टॉप 3 रहे हैं। विकास ने, सुमित ने, निशा ने, पवन ने, इन्होंने भी अच्छी ट्राई की है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्विज ज्वाइन की थी वो यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डिटेल सॉल्यूशन को वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यूट्यूब पर आते हैं फिर से। लेट्स कम बैक टू द यूट्यूब। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अंत में जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें विष्णु कोड को ही यूज करें। यस निशा, यू वाज एट द 6th। आप थोड़ा ऊपर और हो सकती थी अगर आपने क्विज को पहले ज्वाइन कर लिया होता। तो जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करें प्लीज इसी कोड को यूज करें, ठीक है। आपको किसी दूसरे कोड की जरूरत नहीं है, चाहे IAS हो, नीट हो, IIT हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये कोड अप्लाई होगा और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग। इज देयर एनी क्वेरी, एनी डाउट, दे कैन आस्क मी। आई एम वेटिंग। ओके, मुझे लगता है कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है। अगर कोई डाउट क्वेरी हुई तो मैं उसका मैसेज के थ्रू रिप्लाई दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, विश यू ऑल द बेस्ट। नया जो महीना आ रहा है वो आपके लिए खुशियां लेकर आए। दीपावली जैसे बड़े बड़े त्यौहार भी इस महीने में आने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Good night.